हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैच के बाद फिजा को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बड़े मजे ले रहे हैं हम लोग। मानसिक संतुलन बिगड़ गया उसका भैया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कहती हूँ खाली ये फिजा का थोड़ी कोई खराब हुआ होगा मानसिक संतुलन पूरे पाकिस्तानियों का। चलो शुरू करें, मजे लें। किस शेर की आमद है, के रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है। ये हो गया। आप में से किसी से इतना नहीं हुआ, आप बचा ही रहे होंगे बॉलिंग के आगे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबर आजम नंबर वन बैटर है, आप देखिए वो कितने क्लूलेस थे जो उन्होंने शुरू में बॉल्स खेली हैं, जो बुमराह को खेला है और वो जिस तरह आउट हुए हैं। तो मैंने कहा ना सिमिलर फैशन जो बांग्लादेश के खिलाफ आउट हुए जी, कि जैसे कोई टेल एंडर खेल रहा है। और हारिस रऊफ की किस्मत अच्छी है, मुझसे वो सुन लो जो तुम पूरे शो में सुन नहीं सके। हारिस रऊफ होता इंडिया के 20 रन ज्यादा हो गए होते। जितनी तेज बॉल आएगी उतनी तेज जाएगी, क्या भूल गए विराट कोहली ने हारिस रऊफ को किस तरह समझ गए 2 छक्के मारे थे T20 वर्ल्ड कप में। भाई किंग, रियल किंग ऑफ क्रिकेट इज किंग कोहली। ऐसे जुर्म का इर्तकाब किया जिसकी माफी नहीं हो सकती, और इन लोगों ने अपना पाँव कुल्हाड़े पे खुद मारा। अब जरा अंदाजा कीजिए। जीतला एक मिनट रुकिएगा, क्लोजिंग से पहले चौथी लगातार ODI 100 होगी कोलंबो में विराट कोहली की, ये भी बताने देना PCB के। तो हो गए मंजन, आप यकीन जाने शायद मैं प्रोग्राम में आप दीदा हो जाऊंगी, और ये मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं कि ये आज हमने बुमराह को देखा, उसका गेंद इतना सीम होके अंदर आ रहा था। मतलब आई मीन कि ये चीजें सब को पता होती है कमजोरी या क्या, ये लोग एहसान फरामोश है। और दुनिया हैरान थी कि ये दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज है। दुनिया ने तुम्हें बनाया, इनका नाच नचाया हकीकत में जसप्रीत बुमराह ने। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, मैं तो इंडिया को दिलाता फिर रहा था कि हमारी टीम जब मैदान में आएगी तुम लोग छक्के छुट जाएंगे। और क्या कहूँ, मेरे से गालियां निकलेगी, इन बगैरतों को शर्म ही आई कि इन्होंने आज जो हाल कर दिया पाकिस्तान का। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली इस करारी हार से पाकिस्तान के आंसू नहीं रुक रहे। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का यह मुकाबला भारतीय खेमे में ना केवल खुशियां बल्कि तसल्ली भी लेकर आया कि भारतीय टीम में फिलहाल सब ठीक चल रहा है। इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड्स टूटे। विराट कोहली ने वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में 13,000 रन पूरे किए थे। विराट ने 267 पारियों में यह मुकाम हासिल कर लिया। विराट ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में 50वां अर्धशतक बनाया। वह वनडे में 50 अर्धशतक बनाने वाले 30वें बल्लेबाज बने हैं। ऐसा केवल चौथी बार हुआ जब भारत के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक या उससे अधिक रन बनाए हों। इससे पहले आखिरी बार 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम में आखिरी बार टॉप 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाया था। किस शेर की आमद है, के रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है। यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा यह है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कल मैच देखे ही ना, तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव, और बिला शुबा क्रिकेट के मैदान में लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग है। अच्छा, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला आप कह लें कि हाई ऑक्टेन मार्का है जिसमें दोनों टीमें आंखों में आंखें डाले आमने सामने होंगी। और रिवायती तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बल्लेबाजों की जंग रही है, लेकिन इस बार भारत का मुकाबला न सिर्फ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के तूफानी, हम कह सकते हैं कि तूफानी पेस अटैक से होगा, बल्कि वर्ल्ड नंबर 1 ODI बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम की जारहाना फॉर्म से भी इनका मुकाबला है। आपको याद है जी, 151 रन का ढेर लगाकर अभी से अपनी धाक बिठा दी, और फिर रिजवान, इफ्तिखार, शादाब, फखर जमान और इमामुल हक पर मुश्तमिल एक सीसा पिलाई बैटिंग लाइन है जो किसी भी हरीफ के छक्के आराम से छुड़ा सकती है। अच्छा, भारत पाकिस्तान आने से तो आपको पता है घबराता रहा है, लेकिन कल हम इंशाल्लाह इसे इसकी मर्जी के ग्राउंड पर शिकस्त देंगे। ये शिकस्त नहीं है।
खाली रुकिएगा, क्लोजिंग से पहले चौथी लगातार ओडीआई 100 होगी कोलंबो में विराट कोहली की, ये भी बताने देना पीसीबी के तो हो गए मंजन, ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं कि किंग कौन होता है, पीसीबी के मंजन हो गए, जो आया खड़ा हुआ, कल बारिश हुई चला गया, सुबह फिर आया फिर खड़ा हुआ, फिर उसने देखा कि बादल कैसे हैं और आकर विकेट पर तनकीद भी हो रही होगी, जैसे हमने भी कहीं ना कहीं कहा किसी एक को एक्सेलरेट करना चाहिए, बट रियल किंग ऑफ क्रिकेट इज किंग कोहली। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके जहन में एक छोटा सा पॉकेट रॉकेट बैठ गया ईशान किशन भाई, उस दिन ये कोलैप्स कर गए थे, मतलब ईशान क्या विराट कोहली से ज्यादा मार सकता है, और हारिस रऊफ की किस्मत अच्छी है, मुझसे वो सुन लो जो तुम पूरे शो में सुन नहीं सके, हारिस रऊफ होता इंडिया के 20 रन ज्यादा हो गए होते, जितनी तेज बॉल आएगी उतनी तेज जाएगी, क्या भूल गए विराट कोहली ने हारिस रऊफ को किस तरह समझ गए 2 छक्के मारे थे T20 वर्ल्ड कप में। भाई किंग, रियल किंग ऑफ क्रिकेट इज किंग कोहली। मैं लोगों से हाथ जोड़कर ये दरखास्त करूंगा कि अगर क्रिकेट नहीं समझते तो विराट कोहली के साथ किसी को मिलाकर, किसी को कंपेयर करके विराट कोहली की तजलील ना करें प्लीज। हारना इज नॉट एन इशू, करना पड़ता है, समझ सकता हूं, गेम में होता है, एक टीम जीतेगी तो एक हारेगी, लेकिन आप लड़के तो हारे, आप तो ऐसे हारे हैं कि जैसे आप आए ही हारने के लिए थे, आप बैटिंग करने ऐसे आए हैं कि जैसे आपने उनके फील्डर्स को ये दिल ही नहीं कर रहा था कि वो आपको शॉट मार रहे थे ना, क्योंकि आपको शॉट तो मार ही नहीं रहे थे, आप तो वो अपना पैड आगे कर रहे हैं, फखर कैसे बैटिंग कर रहे थे, यानी वो इंसल्ट हो रही थी हमारी, मुझे अफसोस हो रहा था, इतना बड़ा बैटर हम इसका इंतजार कर रहे थे, बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, आज बड़ा मैच नहीं था क्या? देखिए हमारी टीम है, बैक हम करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे ना कि जिसको आप बिल्कुल भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं, नबी भी तो था, मैं बार बार उसकी मिसाल दे रही हूँ, वो बंदे ने 203 के स्ट्राइक रेट के साथ क्या खेला है आके, आप में से किसी से इतना नहीं हुआ, आप बचा ही रहे होंगे बॉलिंग के आगे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बाबर आजम नंबर 1 बैटर है, आप देखिए वो कितने क्लूलेस थे, जो बैट्समैन आंटी बैट्समैन बॉल्स खेली है, जो बुमराह, इनको सुन सुन के मेरा भी दिमाग खराब हो गया, बैटर बैटर क्या होता है लॉटरी ये कर लेते वो कर लेते 200 ही हो लेते, लेकिन अगला जो मैच है, ठीक है ये बात इनकी भी सही है कि सुपर स्टेज का मैच है, ये बाबर आजम जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ आउट हुए सिमिलर फैशन में आज भी आउट हुए, वीडियो एनालिस्ट उनका काम कर आया था, हमारा वीडियो एनालिस्ट क्या काम नहीं करता? नहीं बिल्कुल करता होगा, क्यों नहीं, इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, इनके बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, भैया जरा बताएं कौन है इनके एक्सपीरियंस लोग, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर, हाँ इनका बैटर और ये सब, जब इन्होंने बैटर बोला ना मुझे समझ ही नहीं क्यों बोल रहे बैटर, मतलब ऐसे अनपढ़ जाहिलों को देख देख के मेरा भी बॉलर तो बॉलर का उल्टा बैटर, वही तो मैं सच्ची में, और कई कईयों की स्पेलिंग मिस्टेक्स देख के, इन लोगों की लैंग्वेज देख के, इनकी इंग्लिश सुन सुन के, कहीं मेरा ही बेड़ा गर्क ना हो जाए, मेरे को तब ये घबराहट होने लग गई है, क्योंकि आप जो देखोगे वैसी आप, क्या आप वैसी बनोगे, अच्छा हाई लेवल चीजें देखोगे तो आप भी हाई लेवल बनोगे, कौन बताएगा बैट्समैन बोलते हैं भैया, दे आर इलिटरेट, टोटली इलिटरेट, पर देख लो कि बड़े ऊपर उड़ रहे थे, उड़ाने भर रहे थे और बाबर बाबर कर रहे थे, और अब ऐसा नीचे गिरे हैं मुंह के बल कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा ये हुआ क्या। बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया ने हराया था, बहुत ही बढ़िया था, होप ये इसी तरीके से इनको हराते रहें, वो तो करेंगे ही, और किसी के साथ करें ना करें इनके साथ तो करना है, क्योंकि इन लोगों को ऐसे लग रहा है आसमान पे कहीं कूद रहे, नहीं कितना बढ़ चढ़ के, फिजा खान को सुना कैसे अकड़ के, क्या क्या मतलब डींगे जो क्या बोलते हैं, उसके बाद उसने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी होगी, उसके बाद बस एक वो सीन दिखा दिया कि वो वहां पे बैठी भी रो रही है, मगर उसके बाद जो है शी विल नॉट से एनीथिंग, क्योंकि अब उसमें नहीं बोलती वो बंदी, उसको बोलो अब बोले ना, अब हार के बाद बोले, अब बताए जो इतनी डींगे मारी थी अब उसका क्या हुआ, इनको ऐसे ही सुनाना चाहिए, पहले इनको झाड़ पे चढ़ा दो और फिर झाड़ पे ऐसा गिरा हो कि उनको यही नहीं पता चले ये हुआ क्या हमारे साथ, नहीं बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, मजा आ रहे हैं इन सबको देख के, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।